व्यापारी हो तो मेरे जैसा। हाँ, एक छोटी सी लकड़ी से कद्दू, कद्दू से भैंस और भैंस से दुल्हन। वाह, क्या व्यापार किया है मैंने। आज से यही तुम्हारा घर है। सुना है इंसान तरह तरह के पकवान बनाकर खाते हैं। आज तुम मेरे लिए लड्डू बनाओ। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। बताओ लड्डू बनाने का सामान कहाँ है? नारियल, घी, गुड़, बताओ कहाँ है? वो तो नहीं है। तो क्या लड्डू मिट्टी से बनाऊं? ओह, लगता है बारिश आने वाली है। बारिश से कैसे बचूं मैं? जल्दी से मेरे बिल में घुस जाओ। बिल में? पर कैसे? इसमें मैं क्या, मेरे पैर भी नहीं घुसेंगे? ठीक है, पेड़ पर चढ़ जाओ। अच्छा, खुद बिल में आराम से रहोगे और मुझे भीगने के लिए पेड़ पर चढ़ने बोल रहे हो? कहीं मेरी तबीयत खराब हो गई तो? ठीक है, पास वाले मंदिर में जाकर छुप जाओ ताकि चोर आके मेरे सारे गहने लूट ले। अगर मेरी सुरक्षा नहीं कर सकते तो मुझे लाए हैं क्यों? अरे, ये क्या बला है? इसको लाने से तो अच्छा था मैं भर पेट खाना खा ही लेता। अच्छा, आप गुस्सा मत होइए। अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपने मित्रों को बुला लूं, वो मेरी सुरक्षा कर सकते हैं। हाँ, जो करना है करो। पक्का ना? आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? बिल्कुल गुस्सा नहीं करूँगा। ऐसे नहीं, पहले वचन दीजिए। अरे, ये क्या मुसीबत ले आया हूँ मैं। अच्छा, वचन देता हूँ। यही तो है मेरे मित्र राम और श्याम। मित्रों, मेरी रक्षा करो। भागो! मुझसे गलती हो गई। पक्का ना? बाद में फिर मुकर तो नहीं जाओगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं वचन देता हूँ, तुम जाओ और तुम्हारे मित्रों को भी लेकर जाओ। मुशिका को बिल में छोड़ दुल्हन अपने घर वापस चली गई और बेचारा मुशिका इतने व्यापार करने के बाद में भी खाली हाथ रह गया। वाह अम्मा, अच्छा सबक सिखाया दुल्हन ने मुशिका को। If you like this video, subscribe to our channel, Murti Media.